तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, और ये यूनिट है हमारा क्या, बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम बायो मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, बायो मॉलिक्यूल्स मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्ले अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग सिस्टम्स मींस प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, और उनमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें ये एक मेजर रोल पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए ना कि हमारी बॉडी में जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलती हैं, तो ये रिएक्शंस इन्हीं बायो मॉलिक्यूल्स के थ्रू चलती हैं। तो इनको बोला गया है बायो मॉलिक्यूल। समझ गए ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्ले अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तो इनको बोला गया है बायो मॉलिक्यूल्स। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स, फिर एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, और फिर क्या, न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि लिपिड्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड अभी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट बायो मॉलिक्यूल, और ये है कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो कार्बन के हाइड्रेट्स मींस CH2O, मतलब कार्बन के साथ वाटर ऐड कर दे तो CH2O उससे मिलता है, इसलिए इनको बोला गया है कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए ना कि बायो मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड जनरल फॉर्मूला लाइक एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन CH2O, तो इनको बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स, जहां एक्स एंड वाई क्या है, नंबर्स है। जैसे ग्लूकोज, तो एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू भी 6 है, ठीक है। इसी तरह से C12H22O11 सुक्रोज, तो इस फॉर्मूले को या एम्पेरिकल फॉर्मूले, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले को फॉलो करने वाले जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह उनको पहले बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, लाइक एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप उनका भी जनरल फॉर्मूला यही होता है CXH2OY, जैसे कि एस्टिक एसिड है मान लो C2H4O2, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका जो फॉर्मूला है वो इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में फिट नहीं होता, जैसे रैमनोज C6H12O5, ठीक इसी तरह से डी ऑक्सी राइबोज C5H10O4। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बट सबसे पहले जब ये कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर्ड हुए, तो ये पाया गया कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले के फॉलो करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर एक ऐसी मॉडर्न डेफिनेशन दी गई जो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके एक स्ट्रक्चरल यूनिट से रिलेटेड है, और जो भी कंपाउंड इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो ये है केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वो कहलाते हैं क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। समझ गए ना कि
कि केमिकली ये डेफिनेशन दी गई कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, जैसे हम ये देखते हैं ग्लूकोज है, मान लो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, देख रहे हैं आप इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक इसी तरह से फ्रक्टोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, और भी हैं जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है ना, या सुक्रोज है, जिनमें डायरेक्ट पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट फ्री नहीं होते, लेकिन उनको हाइड्रोलाइज्ड कर दें तो फिर उनमें जो है एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रुप्स फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो भी किस में आएंगे? कार्बोहाइड्रेट। समझ गए ना कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से इस तरह के क्या बन जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बन जाए, तो हम उनको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, और आगे बढ़ते हैं, फिर हम आ जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया गया है। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके, कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज्ड किया जाए तो क्या होगा, किस तरह की यूनिट्स बनेंगी, इस बेस पर हम इनको डिफाइन करेंगे, इनको क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इनमें फर्स्ट आता है मोनोसैकेराइड्स। तो देखो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स अपने आप में सिंगल यूनिट होते हैं और इनको और सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। समझ गए ना कि ये मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये अपने आप में सिंगल यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और इन्हें और सिंपलर फॉर्म्स में नहीं लाया जा सकता, तो इनको बोला गया है मोनोसैकेराइड्स। ये C3 से लेके और C6 तक के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। C3 में आता है जैसे CHO, CHOH, CH2OH, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड, फिर राइबुलोज, जाइलोज, ठीक है, राइबोज, हेक्सोज, इस तरह से आते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं जिन्हें हम इस यूनिट में डिस्कस भी करेंगे, और ये हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, है ना, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? मोनो सैकेराइड। गैलेक्टोज भी होता है ना, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तो सब ये क्या है बच्चों? मोनोसैकेराइड। इसके अलावा राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, है ना, तो ये सब मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम और सिंपलर फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, तो इनको बोला गया मोनोसैकेराइड। अपने आप में सिंगल यूनिट है, मोनो मतलब वन। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो हैं जो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनते हैं। समझ गए ना, मतलब ओलिगोसैकेराइड्स मींस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मींस वो और सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, और ये लगभग 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से बने होते हैं, तो उनको बोला गया है ओलिगोसैकेराइड्स। इन्हीं में आते हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मींस 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, डाई मतलब 2, तो इस तरह से डाइसैकेराइड्स वो हैं जिनमें 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और जो हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है उनमें से एक है सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, माल्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, और लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। सुक्रोज नॉर्मली हम देखते हैं, है ना, जो यूज होती है हमारे लाइफ में, तो वो है सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से का डाइसैकेराइड है। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ठीक है, डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज मिल्क शुगर जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना। तो ये है डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स मींस जिनमें 3 क्या है? मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, जैसे रैफिनोज, तो रैफिनोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं।
और ये जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं वो जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उस केमिकल बॉन्ड को जो कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स को बांध के रखता है उसको बोला जाता है क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से ऐसे टेट्रा पेंटा हेक्सा से लेके है ना और डेका सैकेराइड्स तक होते हैं। तो ये हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। और थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स। देखो पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स मतलब यूनिट, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनते हैं, तो उनको बोला गया है क्या, पॉलीसैकेराइड्स। समझ गए ना कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनते हैं उनको बोला गया है पॉलीसैकेराइड्स। जैसे सेल्युलोज जो कि बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, स्टार्च जो कि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजिन ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो इस तरह से ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। तो समझ गया ना, मोनोसैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता वो अपने आप में सिंगल यूनिट से बने होते हैं। दूसरे थे आपने देखा ओलिगोसैकेराइड जिनमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। इन्हीं में आते हैं डाईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स और एक हो गए पॉलीसैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आते हैं। और इन्हीं में हम पढ़ेंगे सेलुलोज, स्टार्च है ना, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। तो ये जो था क्लासिफिकेशन ये किस बेस पर था बच्चों, हाइड्रोलिसिस के बेस पर। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मेनली किस बेस पर दिया गया है इनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर हम देखें तो इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सुगर और एक नॉन सुगर। देखो सुगर मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वाद में मीठे हो, स्वीट टू टेस्ट। और इसमें आते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा ऑलिगोसैकेराइड्स में डाईसैकेराइड लेके सुक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, तो फ्रक्टोज है। तो इस तरह के जो वाटर सॉल्युबल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये सब शुगर में आते हैं। और नॉन शुगर जो है ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर और टेस्टलेस होते हैं। समझ गए ना, आप देखेंगे स्टार्च है, पानी में इतने जल्दी नहीं घुलता, सेल्युलोज है, लकड़ी है, ग्लाइकोजन है, तो ये सब अमॉर्फस सॉलिड होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल हैं, टेस्टलेस होते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया नॉन शुगर। इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी कार्बोहाइड्रेट को शुगर और नॉन शुगर में डिवाइड किया गया है। और तीसरा जो थर्ड टाइप है वह है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, मीन्स हम कहें कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, है ना, कि ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से याद रखना है। इनमें से एक तो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो देखो बच्चों रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं, क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनी ग्रुप है इसमें जो कार्बन होता है वो अच्छा रिड्यूसर होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, एल्डिहाइड COOH में चेंज हो जाता है या CO ग्रुप COOH में चेंज हो जाता है, तो ये किसी से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन CHO ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप एक अच्छा रिड्यूसर होता है। तो इसी बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड किया गया है जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स, मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें रिड्यूसिंग ग्रुप्स CHO या CO या इन्हीं का हैमी एसिटाइल फॉर्म CHOH, इस तरह का हैमी एसिटाइल फॉर्म होता है, और कैन रिड्यूस्ड फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिजेंट्स। समझ गए ना कि जो कि क्या कर सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट NaOH, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, और
या फिर टॉलेन रेजेंट सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बना हुआ सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम इन सॉल्यूशंस को कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशन में डालते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और अगर वो इनको रिड्यूस कर देते हैं तो फिर वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने मोनोसैकेराइड्स हैं चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप रखें चाहे कीटोनिक ग्रुप रखें वो सभी आते हैं। इसके अलावा माल्टोज है लैक्टोज है। माल्टोज में दो ग्लूकोज यूनिट में से एक ग्लूकोज यूनिट का जो सी एच ओ है हेमी एसिटाइल फॉर्म में रहता है और वो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। हेमी एसिटाइल ग्रुप बेसिक मीडियम में बहुत ईजी गोइंग ब्रेक हो जाता है और एल्डिहाइड फ्री हो जाता है और इसीलिए इस तरह से रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ठीक इसी तरह से लैक्टोज में भी एक यूनिट रिड्यूसिंग पार्ट के फॉर्म में होती है। फिर हम आते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो बच्चों ये वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप्स नहीं होते, ना ही ये इतने इजी फ्री हो पाते किसी बेसिक मीडियम में, तो इनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यही लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट डू नॉट हैव रिड्यूसिंग ग्रुप एंड कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट। समझ गए ना कि जो टॉलेन रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते मींस इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप्स नहीं होते तो इनको बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें आते हैं पॉलीसैकेराइड्स जितने भी हैं स्टार्च है सेल्यूलोज है। इसके अलावा सुक्रोज खुद भी नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज का है और फ्रक्टोज का जो कीटो ग्रुप है वो दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो थे कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल ठीक है फीचर्स और उनका क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक एक करके हमें ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स में हमें ग्लूकोज की डिटेल लेनी है। बाकी फ्रक्टोज और फ्रक्टोज के बारे में केवल स्ट्रक्चर ही अच्छे से याद रखना है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ही। तो हम लेते हैं फर्स्ट यूनिट जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज इसी को बोलते हैं डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर। ओके प्रिपरेशन की बात करें तो ग्लूकोज जो है एकदम डायरेक्ट फ्री स्टेट में नहीं मिलता जैसे एक तो सुक्रोज में होता है कैन शुगर में क्योंकि इसमें ये जो है सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइमर होता है। तो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो ग्लूकोज और क्या बनता है फ्रक्टोज। इस फ्रक्टोज को डिफरेंट फिजिकल मेथड से फिर ग्लूकोज से अलग कर लिया जाता है। तो एक तो इस तरह से हमें सुक्रोज से ये सुक्रोज जो है डाइमर है C12H22O11H2O किसी एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है ना HCl या H2SO4 डाइल्यूट तब ये बनता है। ठीक इसी तरह से जो स्टार्च है दूसरी ये इंडस्ट्रियल मेथड होती है मतलब जो ग्लूकोज का इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन है वो स्टार्च से ही किया जाता है। समझ गए ना ये है स्टार्च। स्टार्च एक्चुअली ग्लूकोज का क्या है बच्चों पॉलीमर मींस इसमें ग्लूकोज यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो स्टार्च ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज। हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं लेकिन अगर हम कहें कि जो सेलुलोज क्या सेलुलोज से बना सकते हैं ग्लूकोज तो सेलुलोज भी ग्लूकोज से ही बना है लेकिन सेलुलोज को हाइड्रोलाइज्ड करने के एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है और इसीलिए हम सेलुलोज का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्टार्च से अल्फा डी ग्लूकोज ये कौन सा ग्लूकोज आता है अल्फा डी ग्लूकोज बनता है ये। तो यहां तक तो ये तो है इसकी प्रिपरेशन। फिर हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। ओके अब आता है सबसे पहला पॉइंट है कि हम जब ग्लूकोज को क्या किया जाता है रेड फॉस्फोरस और HI के साथ जब हीट करते हैं तो ये जो होता है HI से कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है और बनाता है नॉर्मल हेक्सेन और 2-aldohexane। तो
यहाँ इस रिएक्शन से पता चलता है कि नॉर्मल हेक्सीन का बनना कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी चेन होती है। अभी आप देखोगे इसका ओपन स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा उसमें कि किस तरह से 6 कार्बन की लंबी चेन होती है। तो देखो इसमें रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि ये है ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब इसमें HI की रिएक्शन होती है तो पहले तो 2 HI लगेंगे तो वो इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH और CHOH का होल 4 और CH2OH। और फिर जब अगर हम इसमें HI का यूज करेंगे तो हर एक OH के साथ एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, एक H इसकी जगह जुड़ जाएगा और HI का जो आयोडीन है वो आयोटिन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 का होल 4 और फाइनली CH3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक OH और H तो ये निकल जाएंगे, एक H और यहाँ से I तो एक H इनकी जगह पे आ जाएगा और ये आयोडीन निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी चेन है जो कंटीन्यूअस कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मींस कार्बन अलग अलग नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो फेना ठीक है हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करता है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन होने का मतलब है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस तरह से ये ऑक्सिन में ग्लूकोक्सिन बना लेता है, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दें या सोडियम और एथाइल अल्कोहल से तो CHO ग्रुप का CH2OH में कन्वर्जन हो जाता है। ये भी रिएक्शन बताती है कि इसमें एल्डिहाइड है और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है। ब्रोमीन और H2O मतलब ब्रोमीन वाटर कहलाता है, तो अगर हम ब्रोमाइन वाटर से इसको रिड्यूस का सॉरी ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO वो COOH में चेंज हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। अगर हम इसको कंसंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट कर दें ग्लूकोज को तो जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH ये भी किसमें चेंज हो जाता है, पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड से CH COOH में। तो इस तरह से दोनों टर्मिनल मतलब यहाँ तो ऑलरेडी CHO है तो ये COOH में चेंज होगा और जो CH2OH है ये KM ठीक है HNO3 से ऑक्सीडाइज होके पहले एल्डिहाइड CHO और फिर चेंज होता है COOH में। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप मतलब जो ये 4 COOH है ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इस कंपाउंड को जब दोनों टर्मिनल में COOH आ रहा है तो इसको बोला गया है सैक्रिक एसिड। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड को भी HNO3 से ऑक्सीडाइज कर दें तो अभी क्या बन जाएगा बच्चों सैक्रिक एसिड। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ इसकी रिएक्शन पूछी जाती है तो फिनाइल हाइड्रोजीन की कुल मिला के 3 मोल इस रिएक्शन में यूज होते हैं और इसमें जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं ग्लूकोक्सिम, ठीक है ग्लूकोक्सिम ग्लूकोक्सोन लिखा है दो मिनट में जोन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बनता है इसमें पूछा जाता है कि ग्लूकोज के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्शन में कितने फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल लगते हैं। तो ये जो या हम इसे ओसा जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओसा जोन बोलते हैं ग्लूकोसा जोन फ्रक्टोसा जोन, ठीक है ना ओसा जोन। अगर ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोसा जोन और फ्रक्टोज से बना है तो फ्रक्टोसा जोन। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के यूज हो रहे हैं। तो देखो 2 मोल तो सीधा सीधा यही लग रहे हैं दिख रहे हैं और 1 मोल एनिलीन और अमोनिया के फॉर्म में निकल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के ओसा जोन बिल्कुल एक सा स्ट्रक्चर रखते हैं तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केवल पहले और दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन अलग हैं लेकिन बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नीचे के तीसरे कार्बन से लेकर लास्ट तक छठवें कार्बन तक बिल्कुल एक सा कॉन्फ़िगरेशन होता है।
और यही रीजन है कि ग्लूकोसा जोन और फक्टोसा जोन बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रखते हैं। अब चाहे फ्रक्टोसा जोन ले ले तो भी 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन लगता है, और चाहे ग्लूकोज ले ले तो भी 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन लगता है। तो ये याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लूकोज की जो है रिएक्शंस हैं, जिनसे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की चैन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसके अलावा अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाए, तो हम जानते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड जहां जहां OH ग्रुप है उसके H को हटा के और वहां पर क्या ला देता है, एसीटेट ग्रुप। मींस अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप्स हैं, तो हम उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें तो कितने मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुए। ध्यान रखें एक OH ग्रुप को, ठीक है, एसिटिलाइजेशन कराने के लिए, मतलब ये जो है एसिटाइलेशन कराने के लिए 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड लगेगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर क्योंकि ग्लूकोज में 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड लग रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। ओके, और ये जो कंपाउंड बना है OH के एच हटने से और एसिटाइल ग्रुप आया है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इस तरह से कुल मिला के कार्बन ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड, ठीक है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सब की प्रेजेंस को रिएक्शन से आइडेंटिफाई किया गया, और इस बेस पर ग्लूकोज का जो ओपन चैन स्ट्रक्चर दिया गया, और वो ये है, इसके कॉन्फिग्रेशन को भी डिटरमाइन किया गया है, लेकिन हमें इतना लंबा नहीं पढ़ना। हमें यहाँ याद रखना है कि ग्लूकोज का जो ओपन चैन स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ये है ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट कार्बन में CHO है और लास्ट कार्बन में CH2OH है। बाकी 4 कार्बन आप देख रहे हैं इसमें कि सेकेंडरी अल्कोहलिक फॉर्म में है, और चारों कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, आप देख रहे हैं कि ये चारों कार्बन जो है एसिमेट्रिक है। और इसीलिए अगर हम कहें कि ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स ओपन चैन लेके देखा जाए तो कितने बनेंगे, तो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपको निकालना है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, मींस 2^4 मींस 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे ग्लूकोज के इन्हीं H और OH के ओरिएंटेशन के बेस पर। और इसको बोला जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो बच्चों, अल्फा और बीटा फॉर्म जो है अभी आएगा, तो हम इसमें ना लिखें बल्कि इसको ग्लूकोज ही लिखें, अल्फा तो उसमें लिखा जाएगा जब चैन में है। तो ये है डी प्लस ग्लूकोज, क्या है ये डी प्लस। देखो डी तो अभी एक नोमेनक्लेचर की मेथड है, कैपिटल डी और एल, जो कि ग्लिसरेल्डिहाइड को पेरेंट कंपाउंड मान के और उसके बेस पे किया गया है। प्लस यहाँ साइन जो है ये इसके डेक्स्ट्रो रोटेशन को शो कर रहा है, और डी इसके रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन। अब आगे आएगा डी और एल कॉन्फिग्रेशन में, वहाँ डिस्कस करूँगा। अब आता है कि जो ये ओपन चैन स्ट्रक्चर दिया गया ग्लूकोज का, इसमें क्या लिमिटेशन थी, क्या कमी थी। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस देनी चाहिए, जैसे कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, जो हाइड्रोजीन होता है उसके साथ इसका टेस्ट आना चाहिए, NaHSO3 से रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें होता है तो वो सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्शन करके एक क्रिस्टेलाइन बाईसल्फाइड सॉलिड बनाता है, अमोनिया से रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। तो इन सारे कंपाउंड से रिएक्शन होनी चाहिए, सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन होनी चाहिए, वो सिर्फ रिएजेंट के साथ भी टेस्ट नहीं देता। तो ये सब जो है ग्लूकोज के ओपन चैन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, मींस इसमें टोटली CHO ग्रुप बिल्कुल अगर फ्री नहीं है, ये शो कर रहा है। दूसरा है कि ग्लूकोज अल्फा और बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, है ना। तीसरा होता है कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, सो म्यूटा रोटेशन, अभी हम इसको भी डिफाइन करेंगे, म्यूटा रोटेशन,
न्यूटन रोटेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है वो सॉल्यूशन में अगर बना दिया जाए ग्लूकोज का, तो समय के साथ चेंज हो जाता है। जबकि ओपन चेन स्ट्रक्चर से इस तरह से अल्फा बीटा फॉर्म नहीं बताया जा सकते, म्यूटा रोटेशन नहीं बताया जा सकता, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज में केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तब फिर बाद में रिंग स्ट्रक्चर दिया गया है और हावर्थ स्ट्रक्चर भी यही कहलाता है, समझिए ना, हावर्थ स्ट्रक्चर, पायरेनोस स्ट्रक्चर। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ग्लूकोज की जो रिंग स्ट्रक्चर दिया गया है वो एक कंपाउंड होता है पायरेन, उससे मिलता जुलता है इस तरह का। तो ग्लूकोज का जो है हावर्थ साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर दिया कि ग्लूकोज के जो पांचवें कार्बन का OH है और पहले कार्बन का CHO, इन्हीं के बीच में साइक्लाइजेशन हो जाता है और ग्लूकोज में एक हेमी एसिटाइल ग्रुप बनता है। मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पर इतना ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप, हेमी एसिटाइल ग्रुप, हेमी एसिटाइल। ऐसा इसलिए होते हैं बच्चों कि हेमी एसिटाइल तब बनते हैं जब एक मोल OH एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है, तो हेमी एसिटाइल, और जब दो मोल एल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं एसिटाइल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पांचवें कार्बन का जो OH ग्रुप है उस, ठीक है, वो एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, साइक्लाइजेशन कर रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ही बना है ग्लूकोज का। यह है C1 कार्बन, ये है C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन और C5 कार्बन। तो ये जो C5 कार्बन है इसका ऑक्सीजन सीधा इससे जुड़ गया। इसका एक स्ट्रक्चर और इस तरह से ही बना दिखेगा आपको, देखना मैं अगर ओपन चेन के बेस पे ही बना दूं तो वो ऐसा है, ये है इस तरह से, इस तरह से मैं इसको सीधा लाइन में लेके बना देता हूँ, इस तरह से ही बना मिलेगा आपको बुक में, है ना। तो ये है OH और H और ये हो गया CH2OH। तो ये जो कार्बन है वो इसके साथ, मतलब सॉरी ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो OH है ना, HH यहाँ, OH H यहाँ पर, OH H यहाँ पर, बचेगा क्या बच्चों, CH इस तरह से, और यहाँ पर पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में इस तरह से एक, ठीक है, रिंग बनती है, ऑक्साइड रिंग, 6 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग जिसे पायरोन रिंग बोलते हैं। और ये OH अगर इस तरफ है तो ये अल्फा, और अगर हम इसे जो है लेफ्ट साइड में कर दें तो वही बन जाता है बीटा। बीटा बाएं तरफ, बी से बाएं याद रखना है, बाएं तरफ OH है तो बीटा फॉर्म, राइट साइड है तो अल्फा फॉर्म आगे की तरफ। तो इस तरह से या तो इससे भी समझ सकते हैं। तो ग्लूकोज में क्या हुआ कि जब इस तरह से साइक्लाइजेशन हुआ पांचवें कार्बन में और पहले कार्बन में, तो जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप का था कार्बन वो भी एसिमेट्रिक हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये कार्बन नया जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस कार्बन का एक नाम और है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन। अब ये जो कार्बन है वो है एसिमेट्रिक, ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। और हम जानते हैं कि अगर कार्बन एसिमेट्रिक नया प्रोड्यूस हो जाए तो उसके दो कॉन्फिगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। इसी के कारण ही ग्लूकोज का एक अल्फा फॉर्म बनता है और एक बीटा फॉर्म। तो ये जो है जिसमें OH राइट हैंड साइड में दिखता है, बाकी कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, ग्लूकोज के केवल C1 कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिखता है। तो जब ये राइट हैंड साइड में हो तो इसी को बोला गया है अल्फा, और इसी OH को उठा के तो इसको बोला गया अल्फा डी, हम डी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ग्लूको पायरेनोस क्योंकि पायरोन से मिलता स्ट्रक्चर है इस तरह से, और कहीं कोई चेंज नहीं करना, केवल OH को राइट से लेफ्ट में घुमा दें तो यही बन जाता है बीटा फॉर्म। तो इस तरह से जब ग्लूकोज में साइक्लिक रिंग बन रही है, ऑक्साइड रिंग, तो इस ऑक्साइड रिंग बनने के कारण जो C1 कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक नहीं था वो क्या हो गया बच्चों, अनसिमेट्रिक या कहें एसिमेट्रिक हो गया। और यही कारण है कि इस कार्बन से जुड़े ग्रुप्स का H और OH के दो कॉन्फिगरेशन पॉसिबल हो गए और ग्लूकोज एक अल्फा फॉर्म और एक
बीटा फॉर्म बनाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज के ये जो दोनों आइसोमर्स हैं इनमें केवल एक कार्बन में कॉन्फिग्रेशन डिफर है जो कि C1। इस कार्बन को बोला जाता है एनुमेरिक कार्बन और इस तरह से अल्फा और बीटा फॉर्म्स को बोला जाता है एनोमर्स। क्या बोला जाता है? एनोमर्स। तो इस तरह से अब अगर आप इस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें तो एसिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4 और 5। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का तो उसमें केवल 4 क्या थे? एसिमेट्रिक कार्बन। जब ये रिंग के फॉर्म में आ जाता है तो आप इसमें हो जाते हैं 5 एसिमेट्रिक कार्बन। इसीलिए इसके टोटल आइसोमर 2 की पावर 5 मतलब 32 पॉसिबल है। तो यही लिखा है कि टोटल एसिमेट्रिक कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर 4 थे, टोटल एसिमेट्रिक कार्बन इन रिंग स्ट्रक्चर अब कितने हो गए? 5। तो टोटल आइसोमर्स ओपन चेन में देखें तो 16 और रिंग स्ट्रक्चर में देखें तो 32। यहां तक बात क्लियर है? फिर एक होता है म्यूटा रोटेशन। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज का ये प्रॉपर्टी है या ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड की ये प्रॉपर्टी है कि इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है, ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है? अगर हम ग्लूकोज का एक फ्रेश सॉल्यूशन बना के रख दें, एक्वस सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन एंगल धीरे धीरे चेंज होता है। और इस तरह से जब ग्लूकोज का फ्रेश सॉल्यूशन लिया जाता है तो उस समय रोटेशन एंगल अल्फा डी टी ये स्पेसिफिक रोटेशन एंगल को शो करता है 112 डिग्री का होता है। और धीरे धीरे कुछ समय बाद ये जो है डिक्रीज होके और हो जाता है 52.5 डिग्री। तो इसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। इट इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। और इसमें ये बोला गया कि अल्फा फॉर्म जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो कुछ समय में पहले ओपन चेन में कन्वर्ट होता है और फाइनली वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस तरह से अल्फा फॉर्म सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन अगर हम इसके बीटा फॉर्म की बात करें तो ये एक्वस मीडियम में स्टेबल है। तो इस तरह से कुछ समय बाद ये जो है अल्फा फॉर्म 36% बचता है सॉल्यूशन में और बीटा फॉर्म हो जाता है 63.8%। और ओपन चेन जो फॉर्म बनता है लगभग 0.2% ही सॉल्यूशन में होता है। तो इस पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर जब इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होता है और वो होता है 52.5 डिग्री। इस तरह से इसी को बोला गया है म्यूटा रोटेशन। एक चीज और देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिड्स। तो ये अलग से मैं बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है ग्लूकोज को तो H2SO4 चूंकि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है तो केवल कार्बन बचता है, कार्बन ब्लैक, और इस तरह से ग्लूकोज टोटली डिहाइड्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ तो ये ग्लूकोज ही लिखा है ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से। तो जब हम इसको H2SO4 के साथ हीट करते, सॉरी HCl के साथ, तो यहाँ से H2O, यहाँ से H2O और यहाँ से H2O ये निकल गए तो ये बनता है 5-hydroxymethylfurfural जो आगे डिकम्पोज्ड होके बनाता है लैब्यूलिक एसिड। तो ये ध्यान रखें कि इसमें रिएक्शन याद रहे या ना रहे, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ लैब्यूलिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कार्बन ब्लैक बनाता है। अगर NaOH के साथ हीट किया जाए तो ये एक रिएक्शन कहलाती है लॉबरी ब्राइन वॉन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट के नाम से। तो ग्लूकोज को NaOH के साथ हीट किया जाए तो ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का पहले मैनोज में कन्वर्जन होता है और इसके बाद वो चेंज हो जाता है फ्रक्टोज में। तो ये रिएक्शन होती है NaOH के साथ। और फिर आता है पैरायोडिक ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज हम जानते हैं कि पैरायोडिक ऑक्सीडेशन का यूज एडजेसेंट CHO ग्रुप या एडजेसेंट OH ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। और इतना सा ध्यान रखना है कि एडजेसेंट OH ऑक्सीडेशन होता है पैरायोडिक ऑक्सीडेशन अगर कंपाउंड में एडजेसेंट CHO या CHOH ग्रुप है तो वो टोटली चेंज हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड में, CH2OH का फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में और CO का CO। क्योंकि ग्लूकोज में 4 जो है CHOH और एक एल्डिहाइड एडजेसेंट पोजीशन में है, इसलिए 5 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल CH2OH बनता है। तो ये रिएक्शन भी बताती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। यहाँ तक आज के लिए हम डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।